मॉर्निंग क्लास। आज हम इस यूनिट का यूनिट जो हमारी फर्स्ट चल रही है, यूनिट फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है गॉस टू कूलॉम। ठीक है, गॉस प्रमेय पढ़ चुके हैं, कूलॉम का नियम भी पढ़ चुके हैं। कूलॉम का नियम क्या था? F इजिकल टू 1/4πε0। यहाँ पे दो आवेश थे Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और गॉस थ्योरम हमने पढ़ी थी, गॉस थ्योरम में phi E इक्वल टू Q अपॉन में ε0। ठीक है, गॉस टू कूलॉम में हमको गॉस के प्रमेय से क्या सिद्ध करना है? कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है इसका 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है एकदम। ठीक है, इसको प्रूव कर देते हैं। गॉस प्रमेय से कूलॉम के नियम का सत्यापन यह सिद्ध करता है। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं मूल बिंदु O है, हमारा बिंदु O है, इससे R दूरी पर क्या है? बिंदु P। ठीक, R दूरी पर क्या मान लिया? बिंदु P है, हमारा बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है। अब बिंदु P को घेरने वाले एक गोले की कल्पना करते हैं। डॉट बना के क्या बना दिया हमने? ये गोला बना दिया, ये क्या बन गया? अंदर से गोला के साथ खोखला और बाहर से क्या है इसका? पृष्ठ है। ठीक है, हमारा मूल बिंदु O तथा R दूरी पर बिंदु क्या है? P। अब बिंदु R त्रिज्या O को केंद्र मानकर और R त्रिज्या लेकर एक पृष्ठ खींचा या गोला खींचा, तो ये पृष्ठ कैसा होगा? गॉस पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इस पृष्ठ को क्या नाम दे देते हैं? इस गोले को नाम दे देते हैं S। क्या नाम दे दिया इसको? S नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे मान लो बिंदु O पे क्या रखा है? प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो R दूरी पर ये जो बिंदु P है यहाँ पे क्या लगाया गया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में क्या हो गया? R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, R क्या है? वो दूरी है यहाँ पे आवेश क्या लगा रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मीटर फिर से सुन लो डायग्राम के बना, पहले क्या मीटर लिखना है? हमारा बिंदु पर एक प्लस की आवश्यक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। अब बिंदु O को केंद्र मानकर आप त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, यह पृष्ठ गॉस पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गॉस पृष्ठ यानी गॉस थ्योरम पढ़ी थी, वहां पे क्या था? जब किसी पृष्ठ या खोखले पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होता है तो उससे क्या निकलता है? विद्युत बल रेखाएं निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी ये जो पृष्ठ है गॉस पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, यानी इस आवेश से जो बल रेखाएं निकलेगी तो इससे बाहर की ओर क्या निकलेगा? विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, अब ये बिंदु P को घेरने वाले कल्प पृष्ठ की क्या करते हैं? यहाँ पे कल्पना करते हैं, तो इस पृष्ठ से क्या होगा? बाहर की ओर बल रेखाएं निकलेगी। तो इस पृष्ठ की दिशा क्या है? पूरा पृष्ठ ऐसे, तो कल्प पृष्ठ क्या होगा हमारा? ds। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ है, तो ये क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, गॉस प्रमेय में ये दिशा अलग थी, अब इस पृष्ठ में ये दिशा दोनों में से एक दिशा में, क्योंकि यहाँ पे गोली चालक के साथ गोल है और विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? गोली चालक के तल के लंबवत निकलती है, इसलिए बल रेखा की इधर और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है? इस तरफ है। यानी कि इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ना कि अल्प विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स होगा phi E बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट, अल्प पृष्ठ है तो ds वेक्टर। अब इस स्टेप पे क्या करेंगे? वेक्टर हटा देंगे, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। ठीक है, वेक्टर हटाया तो क्या रह गया? cos थीटा, जहां थीटा क्या है? E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण है। अब यहां पे कोण क्या है? देखो गॉस प्रमेय में अपन ने ये पढ़ा था, जहाँ से ये हमारा पृष्ठ था, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा थी, दोनों के बीच में एंगल क्या था? थीटा। यहाँ पे दोनों एक दिशा में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? ऐसे 0 डिग्री। क्या होगा एंगल? 0 डिग्री, क्योंकि
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए cos की जगह थीटा के लिए क्या आ जाएगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन पाई e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e ds cos की वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है, cos 0 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे 1, समाकलन करेंगे इसका पाई e इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ds, देखो ds का क्या हो रहा है यहां पे समाकलन, ds मतलब ये हमारा छोटा सा भाग है, ds मतलब क्या है ये अल बिंदु p को घेरने वाला एक अल्प भाग, इसका समाकलन करेंगे मतलब क्या आ जाएगा पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ds मतलब क्या है अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल, ds का समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरा पृष्ठ मतलब क्या है आपका गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल दसवीं के सूत्र से आ जाएगा, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² 4πr² साइड लिखेंगे एक सूत्र बना के समाकलन ds इज इक्वल टू क्या होता है 4πr², ठीक है, ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, परंतु गॉस प्रमेय से समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे, 2 और 3 की तुलना समीकरण 2 समीकरण 3, देखो LHS क्या है दोनों के बराबर है, RHS बराबर करेंगे तो यहां आ जाएगा एक साइड e 4πr² इक्वल में आ जाएगा q ऊपर में epsilon 0, यहां से e की वैल्यू निकालेंगे e is equal to ये 4πr² का जाएगा अपॉन में, तो ये जब सामने अपॉन में जाएगा 4π के साथ किसको बिठा देता हूं मैं epsilon 0 को, और q के बटे में किसको डाल देता हूं मैं r² ये क्या आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र समीकरण नंबर 3, ठीक है, अब यहां पे देखो ये शुरुआत में जब हमने बात की थी तो बिंदुओं पे क्या रखा है प्लस q आवेश और बिंदु p पर क्या लगा रहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब तीव्रता वहीं पे लगेगी जब यहां पे कोई क्या ना हो कोई आवेश हो, मान लो यहां पे कोई क्या आवेश रखा क्या है q0 रखा है, ठीक है, तो q आवेश क्या करेगा इस आवेश को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दोनों के बीच में क्या लगेगा एक बल लगेगा, तो उस बल को नाम क्या देंगे हम कूलॉम का बल, यानी बिंदु P पर एक अल्प परीक्षण आवेश की कल्पना की जाए, ठीक है, ये लाइन में मेटल लिख लेना पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, बिंदु P पर अगर एक अल्प परीक्षण आवेश q0 की कल्पना करें तो दोनों के बीच में लगने वाला बल वो बल क्या होगा m बराबर q0 E, कौन सा हुआ F बराबर q0 E F is equal to q0, अब ये जो समीकरण 3 है इसमें यहां से E का मान उठा के क्या करते हैं यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon में r² इसको अरेंज करेंगे तो ये q0 पीछे चला जाएगा, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q0 अपॉन में r² ये देखो ये हमारा क्या आ गया गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन, यूनिट खत्म हो गई आपकी, चैप्टर 1 समाप्त।